रहेगा। अरे न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस काफी लंबा है, 23 बोगी है। आगे बताते हैं। जय हिंद एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। स्वागत है कटिहार जंक्शन पे। तो आज की जर्नी होने वाला है न्यू जलपाईगुड़ी साप्ताहिक एक्सप्रेस। ये गाड़ी एक्चुअली में उदयपुर सिटी से खुलती है और न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन वेस्ट बंगाल दूसरे दिन पहुंचती है। नंबर 5 कटिहार जंक्शन पे आई है। एक्चुअली में 3:25 पे आने का समय है, लेकिन 5:05 पे जो ये गाड़ी आई है, तो समझ सकते हो कितना ये गाड़ी डिले है। तो चलिए, यहाँ से मैं चलूँगा न्यू जलपाईगुड़ी। तो वहाँ तक का बीच में एक स्टेशन मात्र पड़ता है, वो है किशनगंज। तो यहाँ का व्यू, किशनगंज का व्यू और न्यू जलपाईगुड़ी हम वहाँ पे डिवोट करेंगे। अबोट यहाँ कटिहार जंक्शन पे कर रहे हैं। तो ब्लॉग में अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बाकी कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए, अगर मैं बात करूँ न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस के बोगी का, यहाँ पे जैसे बताए कि 23 बोगी इसमें जोन है। तो सेकेंड ए सी का जोन 2 बोगी है, थर्ड ए सी का जोन 4 बोगी है, स्लीपर का जोन 9 है, और उसके बाद जो है 2 बोगी जनरल आगे, 2 बोगी जनरल पीछे की ओर है। अभी देख सकते हैं हम लोग कटिहार में पीछे की ओर, और आज का जर्नी जो है जनरल में होने वाला है यहाँ से नई जलपाईगुड़ी के लिए। तो जर्नी को फुल एंजॉय कीजिए, फुल वॉच कीजिए। देखिए, दो भाई मिले हैं और न्यू सब्सक्राइबर। क्या नाम है? कहाँ जा रहे हैं? किशनगंज। आप कहाँ जा रहे हैं? वहीं जा रहे हैं, किशनगंज तक। दोनों साथ में हैं। तो चलिए, इनको जर्नी बेस्ट ऑफ लक। हाँ, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन देख रहे हो वीडियो किस प्रकार से बन रहा है। तो सालमारी आते आते ही 2 घंटा 15 मिनट का डिले हो चुका है। गाड़ी एक्चुअली में बहुत अच्छा है, न्यू LHB कोच के साथ, न्यू मॉडल के साथ लगा हुआ, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त लुक है और ज़बरदस्त अंदर में जो इंटीरियर है दिखाई आप लोगों को।
लेकिन वही है, एक बार कितना अच्छा गाड़ी हो, एक बार डिले हो गया तो उसको डिले होते ही। यहाँ पे देखते हैं कोई क्रॉसिंग हुआ तो आप लोगों को दिखाएंगे। अभी शाम के 7:25 हुआ है और कटिहार से हमारी गाड़ी 92 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद पहुंच चुका है किशनगंज। और यहां से जो स्टॉप होगा न्यू जलपाईगुड़ी, ये वेस्ट बंगाल, बिहार से अब वेस्ट बंगाल में हम लोग ट्रेवल करेंगे। तो शाम हो चुका है, आप लोग को दिख रहा है कि वीडियो अच्छा से सही से नहीं बन रहा है, जो मेरा प्रॉब्लम है, मोबाइल का प्रॉब्लम है। तो चलिए जो भी होता है मैं न्यू जलपाईगुड़ी तक का ब्लॉग बना करके आप लोग को दिखाएंगे। ककरो देखबै छथिन होता है कि गाड़ी जब भी लेट होता है ना भाई, तो बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। कल का गाड़ी 3:25 के आसपास जो लेट हुआ है, 6:25 जलपाईगुड़ी आने का समय है, लेकिन ये गाड़ी जो है कल की 9:40 पे आया है। आप लोग समझ सकते हैं कितना जो है ना डिले था। उसके बाद यहाँ आने के बाद जो है ना धरपड़ में ना ही अच्छा खाना, ना ही होटल सब बुक, तो बहुत सब होने के बाद जो है ना बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अभी मैं न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन पे हूँ और अभी सुबह का समय है, तो सबको गुड मॉर्निंग। रात में आप लोग को नहीं दिखाए अरेवल, क्योंकि रात में यार उतना अच्छा जो है ना ब्लॉग नहीं बन रहा था। अभी देखिए पीछे का दृश्य, न्यू जलपाईगुड़ी का ये बाहरी दृश्य आप लोग दिखा रहे हैं, कितना सुंदर है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा खास है, यहाँ से हिमालयन रेलवे भी चलती है, तो अगर होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो हिमालयन रेलवे के ऊपर लाऊंगा, तो जरूर देखिएगा।